क्षेत्र का विकास सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है। झंझारपुर मधुबनी जिले का एक अनुमंडल है। ये इलाका महान सांस्कृतिक केंद्र रहा है। यहाँ की सांस्कृतिक विकास में संस्कृत और लोकायत परंपरा का योगदान रहा है। झंझारपुर का इलाका बेहद गरीब और पिछड़ा हुआ है। हर साल आने वाली बाढ़ ने झंझारपुर को विकास के मामले में काफी पीछे ढकेल दिया है। यहाँ के लोगों का आर्थिक आधार आम, मछली और मखाना है। झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र के तहत 6 विधानसभा की सीटें आती हैं। ये विधानसभा सीटें हैं खजौली, बाबूबरही, राजनगर, झंझारपुर, फुलपरास और लौकहा। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में इन 6 सीटों में से 3 पर जेडीयू, 2 पर आरजेडी और 1 पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। कहा जाए तो इस इलाके में फिलहाल एनडीए का दबदबा है। इस लोकसभा चुनाव के रण में यहाँ कुल 17 उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला आरजेडी के गुलाब यादव, जेडीयू के रामप्रीत मंडल और निर्दलीय मैदान में उतरे देवेंद्र प्रसाद यादव के बीच है। झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र देवेंद्र प्रसाद यादव का गढ़ा है। 5 बार यहाँ से चुनकर संसद गए और केंद्र में मंत्री भी बने। यहाँ की राजनीति में श्यामानंदन मिश्र, भोगेंद्र झा, जगन्नाथ मिश्रा, धनिक लाल मंडल और गौरी शंकर राजहंस जैसे नेता सक्रिय रहे। 2014 में यहाँ पहली बार कमल खिला। वीरेंद्र कुमार चौधरी यहाँ के सांसद चुने गए, लेकिन इस बार गठबंधन के तहत झंझारपुर सीट जेडीयू के कोटे में चली गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। चलिए सुपौल की बात करते हैं। कोसी की एक महत्वपूर्ण सीट है सुपौल, और 2014 में मोदी लहर में भी यहां कांग्रेस की जीत हुई थी और इस बार भी यहां कांग्रेस की रणजीत रंजन